हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अपना नया वीडियो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से एक पहेली पूछूंगा, मजेदार पहेली। तो ये जो पहेली है ये केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इसमें सभी जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हमारे जीवन में पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत जरूरी है, इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने इस मजेदार पहेली को लेकर आया हूं। इस पहेली को आपको पहले अच्छी तरह देखना है, समझना है और उसके बाद उत्तर देना है। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पहेली को का जवाब देंगे। और साथ ही पहेली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, और जो दर्शक नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी जो मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक मजेदार पहेली, नदी कैसे पार होगी। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक आदमी है, उसके पास एक पालतू शेर, एक बकरी और एक घास का गट्ठर है, और उसे जरूरी काम से नदी पार करके दूसरे गांव जाना है, बहुत ही अर्जेंट काम से। लेकिन उसके पास यहाँ पर एक दिक्कत है, एक परेशानी है। उसके पास जो बोट है जिसमें बैठकर वह पार जाएगा, अपने साथ वह केवल एक ही चीज़ दूसरे पार ले जा सकता है। वह या तो अपने साथ बकरी ले जाए, चाहे शेर को ले जाए, चाहे घास का गट्ठर ले जाए, वह एक एक करके ही किसी को अपने साथ ले जा सकता है। और आप यहाँ पर यह सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, वो आप देखिए आगे दिक्कत क्या है इसके पास। अगर वह अपने साथ घास को दूसरी ओर ले जाता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ ले जा सकता है जैसा आप लोग देख सकते हैं, तो जो दूसरी ओर है शेर है वह बकरी को खा जाएगा, क्योंकि उस समय मालिक वहाँ पर, वो आदमी वहाँ पर नहीं है। और अगर वह शेर को अपने साथ दूसरे पार ले जाता है तो देखिए वहाँ पर जो बकरी है और घास है वो अकेले रह जाएंगे, तो जो बकरी है मालिक की अनुपस्थिति में वो घास को खा जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर वह बकरी को ले जाता है और बकरी को छोड़ के आता है तो घास तो को शेर तो खाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि अगर वो वापस दोबारा उसे फिर दोबारा औरों को भी लेके आना है, तो अगर वह दोबारा शेर को लेकर आता है और इस जगह छोड़कर वापस, क्योंकि उसे फिर घास को लेने भी जाना है, अगर वह घास को लेने जाता है तो जो शेर और बकरी अकेले बचे हैं तो जो शेर है वह बकरी को खा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप लोगों को मुझे ये बताना है कि ये जो आदमी है वह कैसे एक एक करके इन सभी को नदी पार करवाएगा और सुरक्षित रूप से बिना किसी एक भी चीज़ का लॉस किए नदी पार पहुंच जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक आदमी है तब तक कोई भी यहाँ पर, जो भी आपका घास रखी हुई है, बकरी है, शेर है, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जब यह आदमी इन लोगों के साथ नहीं होगा तभी वे एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएंगे। तो आप जल्दी बताइए कैसे वे नदी को पार करवाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लें और एक कॉपी लेकर उसमें इसका आंसर निकालने की कोशिश करें, और अगर आप आंसर ना दे पाएँ, अगर कठिन लगे, तो फिर आप इसका आंसर इसी वीडियो में देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि कैसे वह नदी पार करेगा। तो इसका आंसर है, सबसे पहले वह बकरी को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि वह अपने साथ केवल एक को ही ले जा सकता है, और बकरी को वह दूसरे किनारे पर छोड़ आएगा। फिर वह दोबारा वापस आएगा और वापस आकर वह पहले किनारे से शेर को लेगा अपने साथ और उसे दूसरे किनारे पहुँचाएगा। फिर वहाँ पर वह एक काम और करेगा कि शेर को तो वहाँ पर छोड़ देगा, लेकिन बकरी को, क्योंकि एक को तो अपने साथ ले जा सकता है, तो बकरी को और यहाँ पर छोड़ देगा। अब वह बकरी को पहले किनारे पर छोड़ देगा और यहाँ पर से घास अपने साथ दूसरे किनारे तक ले जाएगा, जहाँ पर वह शेर को छोड़कर आया था। अब यहाँ जाकर क्या करेगा, जो घास वो ले गया है उसे इस किनारे पर रख देगा। अब आपको पता है कि जो शेर है वह घास तो खाएगा नहीं, और फिर वह पहले किनारे पर वापस आ जाएगा। यहाँ से पुनः वह बकरी को अपने साथ लेगा
और फिर से इस किनारे की ओर चल, और इस तरह जब वह लास्ट में बकरी को इस ओर लाएगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आसानी से एक एक करके ये चारों एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच गए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये पहेली बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर यह पहेली अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही जो नए दर्शक हैं वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मैं इस तरह के और भी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।